Thank you Hey Valko, this is your biology teacher and i welcome you all on our channel ado passion so here we were talking about the chapter number 11 class 12th biology subject cbc second term labors, biotechnology principles and processes in this chapter we have talked about the introduction part of biotechnology we have talked about the principles of biotechnology uh, that is genetic engineering and bioprocess engineering and after that we uh, we have started the tools of biotechnology and आफ्टर दैट टॉपिक वी विल स्टार्ट द प्रोसेस प्रोसेसेस जब टूल्स हम कर लेंगे तो प्रोसेस यूँ हो जाएंगे बस हमें देखना है होता क्या है, है ना तो टूल्स में हमने बेसिकली कैटेगराइजेशन uh, किया था एनजाइम्स वैक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट एनजाइम्स हम कम्प्लीट कर चुके हैं यहाँ है नहीं बट <laughs> तो एन्जाइम्स हम कम्प्लीट कर चुके हैं जिसमें पहला एनजाइम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था सीजर मोलिकुलर सीजर जिसको कहा गया था आपका रेस्ट्रिक्शन एनडोन्यूक्स सेकेंड एंजाइम आपने डी एन पढ़ा फिर हमने पॉलीमरेज एंजाइम की बात की हमने बात की बेटा एल्कलाइन फॉस्फेटेस की टर्मिनल ट्रांसफरेज की पॉली न्यूक्टाइड काइनेस की इन एंजाइम्स के बारे में हमने डिस्कस किया और दो तीन एंजाइम्स और हैं जो यूज़ होते हैं और उसके बाद में आपका हम लोगों ने स्टार्ट किया क्लोनिंग वैक्टर जिसमें हम लोगों ने किस ऑर्गेनिज्म में कौन से वैक्टर्स को यूज़ किया जाता है किस ऑर्गेनिज्म को एज ए वैक्टर यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ को एज ए वैक्टर यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया सेकेंड लेक्चर क्लोनिंग वैक्टर में ही हमने फीचर्स की बात करी थी कि कौन कौन से फ़ीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो वैक्टर के लिए हैं क्या फ़ीचर्स थे आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन होना ज़रूरी था क्लोनिंग साइट होना ज़रूरी है क्लोनिंग साइट को ही हमने इक्वल माना था किसके आपके रेस्ट्रिक्शन साइट के है ना जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए आपके वेक्टर के पास तभी वो आकर कट लगाएगा तो ये एक नेसेसरी वाली कंडीशंस थी ठीक है और आपका सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर में हमने लास्ट क्लास में बेटा किसके बारे में बात करी थी पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू प्लासमेट के बारे में बात की थी ठीक है इस प्लाजेट में आपके जो सेलेक्टिवल मार्कर के तौर पे यूज हो रहे थे वो दो आपके जीन्स यूज हो रहे थे जिसमें कि बेटा क्या था एक एक था आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एम्पी सिलीन रेजिस्टेंस जीन अब ये जीन बेटा क्या कर रहा था ये जीन आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में आपके डिफरेंशिएट कर रहा था ये डिफरेंशिएट किसको कर रहा था ये आपको रिकॉम्बिनेंट नहीं बता रहा था ये डिफ्रेंशिएट कर रहा था बेटा किसको ट्रांसफॉर्मेंट को एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट इनके बीच में बेटा क्या कर रहा था डिफ्रेंशिएट कर रहा था हमारा ये जीन हेल्प कर रहा था ठीक है अब हमें फिर इसलिए दूसरी प्लेटिंग करनी पड़ी थी जिसकी जिसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था वो था ट्रा साइक्लेन टट्रा रेजिस्टेंस जीन ये बेटा आपको क्या कर रहा था फाइंड आउट करके दे रहा था किसको आपके रिकॉम्बिनेंट को डिफ्रेंशिएट recombinant फ्रॉम non recombinants फ्रॉम non recombinants ठीक है और आपको मैंने ये भी बोला था कि इसमें जो जो आ, क्या है आपके ई आर के रिकॉग्निशन साइट्स हैं वो आपको लर्न करनी ही हैं, जैसे इसके पास ओराय था हमारा इसके पास रोप था रोप क्या था बेटा आ, आपका रेप्लिकेशन ऑफ प्लाजमिट के लिए जो इंपॉर्टेंट जीन्स है ना जो जीन्स रिक सॉरी प्रोटीन्स रिक्वायर होने वाले हैं आपके रेप्लीकेशन में प्लाजमिट के वो उसके लिए यहाँ पर आपके जीन्स प्रेजेंट है और इसी इसी सीक्वेंस में ही आपका कहाँ पर एंडो एंडो सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के लिए भी एक प्लेस था या सीक्वेंस था क्या था वो आपका अच्छा या देख लेते हैं यहीं से शुरू करते हैं क्या था आपका पी यू पी वी यू सेकेंड यहाँ था आपका इनके बीच में उसके बाद था आपका बेटा पी एस टी वन फिर पी वी यू वन देन ई ठीक है देन ई कोर ई को आर वन ठीक है उसके बाद था क्ला वन उसके बाद था आपका हिंद थर्ड फिर बाम एच वन देन आ, यही था ठीक है ये आपके सारे क्या थे इसके आ, इस प्लाजमेट में आपके प्रेजेंट आपके रिकॉग्निशन या क्लोनिंग साइट्स हैं आपके ये सारे ठीक है रिकॉग्निशन साइट्स हैं तो ये आपको लर्न होने चाहिए सारी चीज़ें उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब पढ़ने से पहले ये क्यों हम यूज़ नहीं कर रहे या फिर हमें दूसरे अल्टरनेटिव आर्टिफिशियली मेड जो आपका क्या है वैक्टर है उसकी नीड क्यों पड़ी पी था हमारे पास फिर क्यों करी क्योंकि इनके वजह से हमें दो बार प्लेटिंग करनी पड़ रही थी ठीक है पहले हम लोगों ने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफार्मेंट्स कौन है इनमें से प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं आई होप समझ में आया हो कि ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट नॉन uh, रिकॉम्बिनेंस में क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने देख ली थी देख चुके हैं उसके बाद हमने दूसरी प्लेटिंग करी जिसके बाद हमको पता चला कि हमारा जो डिज़ायर्ड uh, ऑर्गेनिज्म है या सेल है वो कौन सा है हमें दो प्लेटिंग के बाद में मिल रहा था तो क्यों ना हम ऐसा एक वेक्टर बनाए जिसके बाद हमें सिर्फ एक बार ही प्लेटिंग करनी पड़े तो हमने वही किया है और उसके बाद क्या हुआ हमने नहीं किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भैया आइसोलेट हुआ ये हमने नहीं किया हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं ठीक है तो क्या है वो बेटा वो है आपका पी यू सी ठीक है अब देखो एनसीआर में नाम नहीं है लेकिन ये दे रखा है तो ये भी एक वेक्टर है कौन सा वेक्टर है बेटा वेक्टर है तो ये भी डबल स्टैंडर्ड होगा ये भी सर्कुलर होगा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होगा और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होगा मतलब किसका कोई मतलब नहीं है आपका जो मेन क्रोमोजोम क्रोमोजोम है या फिर जेनेटिक मटेरियल है ऑर्गेनिज्म का उससे कोई भी इसका लेना देना नहीं है रेप्लिकेशन से ये हमारा क्या है दिस इज वॉट द्लाटिफिशियल ऑल्टरनेटिव आर्टिफिशियल है ऑल्टरनेटिव है किसका पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू का ठीक है आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल वैक्टर दिस इज वॉट द आर्टिफिशियल वैक्टर वैक्टर ठीक है अब इसमें होता क्या है यहां पर आपके सबसे पहले इसमें भी ओराई होगा इसमें भी ओराई होगा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन ही नहीं करेगा तो हमारा कोई फायदा नहीं है तो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना ज़रूरी है इनके पास फिर आपके पास बेटा इनके पास होता है एम्पिसलिन रेजिस्टेंट जीन इनके पास भी है उसके बाद यहां पर इनके पास है लैक जेड जीन इसको कलर कर लेते हैं ये है मेरा क्या एम्पिसिलीन रेजिस्टेंट जीन है दैट मीन्स ये वो एंटीबायोटिक बनाएगा जो कि एम्पिसिलीन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करेगा सॉरी ऐसे केमिकल बनाएगा जो एम्पिसिलीन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट होगी है ना उसको इफेक्ट नहीं करने देंगे अपने ऊपर तो वो आपका जीन ये रहा लेग जेड जीन किसके लिए होता है बेटा किसके लिए होता है लेग जेड ये होता है बेटा बीटाग एलेक्टोसाइडेज के, के लिए कहीं पढ़ा है तुम लोगों ने इससे पहले वाले टर्म में भी बीटा गैलेक्टो साइडेज एंजाइम बनाता है लैक ओपेरॉन में पढ़ा होगा ना इसके बारे में लड, जीन तो ये क्या है आपका ये प्रड्यूस करने वाला ये जीन जो है वो ये प्रोड्यूस करता है तो हम इसको बोल सकते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है ये ठीक है इन्हीं में आपके बेटा मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स एम सी एस प्रजेंट है मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे आपके पास एंडो वो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के लिए रिकॉग्निशन साइट्स हैं बहुत सारी जब बहुत सारी एक साथ प्रेजेंट होती हैं तो बेटा उसको बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट उसको क्या बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट यहाँ लिख दें नहीं, यहीं लिखेंगे ठीक है तो समझ में आ गया इनके पास क्या क्या है चलो लिख लेते हैं इन चीज़ों को क्या क्या है आपके पास यूसी के पास ओरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन है इनके पास ओरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन है बेटा ठीक है इनके पास है एमपी रेजिस्टेंट जीन एमपी सिलीन रेजिस्टेंस जीन ठीक है दो हो गई चीजें इनके पास है बेटा जेड जीन या इसको बोलेंगे आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन हमने क्या कराना है हमने कुछ नहीं कराना हमने इसको यूज करना है ठीक है ये भी है एम सी एस लिख देते हैं अच्छा मल्टीपल हमने इसे पहले क्लोनिंग साइट में पढ़ा था सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए तो वो किसके रिगार्डिंग थी बेटा सिंगल एंड रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस के लिए सिंगल होना चाहिए एक ही होना चाहिए रिकॉग्निशन साइट पूरे आपके वेक्टर में ऐसा नहीं है कि आपने इको इको एक, आर वन के लिए एक ले ली यहाँ है इको आर वन के लिए यहाँ भी है यहाँ भी यहाँ भी है यहाँ पर मल्टीपल है मतलब कि डिफरेंट एंडो न्यूक्लियस के लिए आपके साइट्स हैं डिफरेंट एंडो न्यूक्लियस यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं सिंगल ही बाल आपके मल्टीपल कॉपीज में नहीं है ठीक है ई e है आपके बामहाय है ये अलग अलग हैं ठीक है तो एम एस सी आपका है यहाँ पर ठीक है जिसको लिख ही दूँ रुक जाओ इसको बीच में लिखते हैं ताकि मैं उसका रीजन वो भी लिख सकूँ जीन और आपके पास क्या है मल्टीपल क्लोनिंग साइट मल्टीपल क्लोनिंग साइट ठीक है तो बेटा ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर है ना हम लोग क्या ये एंजाइम चाहिए नहीं हमने क्या चाहिए चाहिए ये एंजाइम चाहिए क्योंकि हमने क्या करना है इस एंजाइम का यूज करके हमको रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में ही डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम ट्रांसफॉर्मेंट की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर हमने क्या करना है ये जो जीन होगा ठीक है ये प्रोड्यूस करेगा बेटा एंजाइम जो क्या होगा बीटा गैलेक्टो एंजाइम जो कि एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में किसकी क्रोमोजेनिक क्या करेगा बेटा ब्लू कलर देगा समझ रहे हैं अब ये सब्सटेंस जो यहाँ यूज करने वाले हैं हम वो होगा एक्स गैल ठीक है एक सब्सटेंस है इसको यूज करेंगे हम और जो भी जिनके पास भी जिन भी बैक्टीरिया में ये जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा तो वो बीटा गलेक्ट्रोसाइडेज एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा उसमें आपका जब हम क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट को ऐड करेंगे सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो हमें वो कॉलोनीज़ ब्लू कलर की शो होने लगेंगी जिनके पास ये जीन है ठीक है अब देखो हम लोग ये करेंगे क्या हम लोग सेलेक्टेबल मार्केट की तरह कैसे यूज़ करेंगे इसको रब कर लेते हैं ये समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें इसमें ठीक है सब कुछ रब करती हूँ मैं क्योंकि हम दोनों ही कंडीशन में देखेंगे कि हमने जब इन्वॉल्व करा है आपने रिकॉम्बिनेट डी को बैक्टीरियाज के अंदर उसके बाद हमें कैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे ठीक है तो सेलेक्शन का जो प्रोसेस है बच्चों सेलेक्शन का प्रोसेस किन बेसिस पे होता है इंसर्शनल आपका इंसर्शनल इन एक्टिवेशन यहाँ पे जो फिनमल हम यूज करने वाले हैं वो क्या है आपका इंसर्शनल इन एक्टिवेशन हम इसको यूज करके बेटा यूज करेंगे इस जीन का अब देखो मैंने वेक्टर को लिया ठीक है दूसरे कलर से लेते हैं मैंने वेक्टर लिया मेरा पास वेक्टर था ठीक है ये मेरा वेक्टर है यहां पे मेरे वेक्टर के पास में क्या है एम्पीसिलीन रेजिस्टेंट जीन है ठीक है? यहां पे मेरे पास कौन सा जीन है बेटा लैक जेड जीन है या बीटा गलेक्ट्रोसाइडेज जीन है अब मैं क्या करूं मैं यहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दूं। ये क्या है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट कर दू तो ये क्या करेगा बेटा इनएक्टिवेट कर देगा किसको लेग जेड को क्योंकि इसके न्यू... किस क्या हो जाएगा बेटा इसके इसका जो सीक्वेंस था वो टूट जाएगा है ना तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा अब रीडिंग में कुछ और ही बनेगा अब आपका लेक जेड जीन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा बीटा गलेक्ट्रोसाइटिस क्या करेगा इनएक्टिवेट हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ जेड जीन इस जीन का क्या हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस और इस एरिया में आपके जिस वजह से क्या होगा और आई भी लिख देते हैं भाई ठीक है उस वजह से क्या होगा विल नॉट प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टो साइडिस विल नो अच्छा, नो प्रोडक्शन ऐसे लिख देते हैं नो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोज ठीक है अब हमने क्या करा है हमने ली अपनी बैक्टीरियल कॉलोनीज कर रहे हैं जिसमें हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ये हमारा वैक्टर को लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे कौन से बैक्टीरिया में कौन सा आपका वैक्टर गया है ठीक है जैसे हमने पढ़ा था मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ क्या ले लेती हूँ बेटा रिकॉम्बिनेंट ऑन नॉन रिकॉम्बिनेंट ठीक है अब मेरे पास एक तो क्या है एक जीन ये रहा ठीक है एक बैक्टीरियल स्पीशीज ये रही जिसमें कि आपका प्लाजमेट गया उसके पास एम्पीसीन रेजिस्टेंट जीन भी था और उसके पास लैक जेड भी है ठीक लेकिन वहीं मेरे पास कुछ कॉलोनीज ऐसी होंगी जिनके पास में ये मेरा मेंिकॉमिनेट डीएनए चला गया होगा जीन भी है यहाँ पर यहां पर मेरा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर चुकी हूं मैं ठीक है तो अब ये लैक्स जेड जीन नहीं रहा दोनों ही आपके क्या है ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं दोनों ही और ये आपका क्या है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सॉरी uh, uh, ये आपका क्या है रिकॉम्बिनेंट ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट क्योंकि रिकॉम recomb... यहाँ पर जो वैक्टर आपका गया है बैक्टीरियल सेल में वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है या प्लास्मिक गया है ठीक है अब अगर मैं इसको ग्रो कराऊँ किस में ग्रो कराऊँ बेटा अच्छा यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या ये uh, बीटा बीटागलेक्टोसाइडेस एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे ऑबियसली क्योंकि यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है ये जीन बिल्कुल सेफ है तो मेरा इस वाली कंडीशन में जो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं वो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को सिक्रीट कर रही होंगी ठीक है इस वाली कंडीशन में नहीं हो रहा होगा सिक्रीशन क्योंकि यहाँ पर इनएक्टिवेशन हो गया आपका डिजायर्ड जीन का दिस इज वॉट दी डिजायर्ड जीन डिजायर्ड जीन समझ में आ रहा है अब बीटा गलेक्ट्रोसाइडेज जब हम कॉलोनीज पे या अपने मीडियम पे हम ऐड करेंगे किसको बेटा एक्स गैल को ठीक है ये क्या है क्रोमोजेनिक सब्सटेंट है क्रोमो जेनिक क्रोमो इज फॉर दी कलर कलर गिविंग सब्सटेंस ठीक है इसको मैंने ऐड किया तो ये कॉलोनीज जो हैं बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं वो ब्लू कलर देंगी शोज Blue color colonies, because these colonies are producing बीग galactosidase enzyme, जाइन ठीक है अब मैंने यहां पर भी आपके क्या किया एड किया बेटा एक्सगेल यहाँ पर भी नहीं है, एक ही प्लेट में है फिर भी आपको पता चल जाएगा एक ही प्लेट में है तो ये कुछ कॉलोनीज ब्लू शो हो रही होंगी कुछ ब्लू शो नहीं हो रही होंगी व्हाइटिश शो रही हो रही होंगी इसमें क्या होगा बेटा नो no ब्लू कलर ब्लू कलर नहीं आएगा अब मैंने जो अपना प्लेट ली है जिसमें मैं बैक्टीरिया को कल्चर कर रही थी उसमें मैं प्लेटिंग में देखूंगी जिस कॉलोनी में जो कलर ब्लू कलर की होगी जो कॉलोनीज़ ब्लू कलर की होंगी उससे मैं ये पता लगाऊंगी कि जो मेरा लेग जेड जीन है वो आपका इंसर्शनली इनएक्टिवेटेड नहीं हुआ है इसका मतलब कि मेरा जो डिज़ायर्ड जीन था वो यहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है जो पहले से प्लाजमिक था वो ऐसे के ऐसे ही आ गया है और इसी वजह से लेग जेड जीन जो था वो प्रोड्यूस कर रहा था बीटा गलेक्ट्रोसाइडिस एंजाइम जिसने एक्स गैल की प्रेजेंस में ब्लू कलर दिखा दिया शो कर दिया वहीं उन बैक्टीरियल सेल्स की या कॉलोनीज की बात करें जहां पर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो आपके ड्यू टू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बीटा गलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे और उस वजह से एक्स गर्ल की प्रेजेंस में भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एंजाइम था ही नहीं जिनकी प्रेजेंस की वजह से जिनके आपके आपके क्या कहते हैं उसको दोनों की वजह से आपके देखो मुझको ना टर्म नहीं मिल रहा है समझो, दोनों की वजह से प्रेजेंस की वजह से दोनों की रिएक्शन होती है और ब्लू कलर शो होता पर वो चीज नहीं हो रही है क्योंकि मेरे पास बीटा गलेक्ट्रोसाइडिस एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर मैंने लेग जीन को इंसर्शनली डीएक्टिवेट कर दिया इनएक्टिवेट कर दिया समझ में आ गया तो मैं इसको क्या बोलूंगी ये मेरा प्लाजमेट क्या है बेटा ये रिकॉम्बिनेंट प्लाजमेट है रिकॉम्बिनेंट प्लाजमिट है ये मेरी बैक्टीरियल्स ये सेल जो है रिकॉम्बिनेंट सेल हो जाएगी रिकॉम्बिनेट बैक्टीरियल सेल ठीक है ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल ये क्या हो जाएगा मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिट समझ में आ गया हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर आई होप यहाँ पर समझ में आ गया हो पी यू सी कहाँ चला गया पी यू सी ये मेरा क्या है ऑल्टरनेटिव बैक्टर है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है ठीक है यूज़ करा हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्योंकि वहाँ हमें बार बार करना पड़ रहा था एम्पेसिल में रखा पहले फिर हमने उसको ट्रांसफर किया टेट्रासाइक्लिन में उसके बाद जाके हमें रिजल्ट मिल रहा था यहाँ पे मारने वारने का चक्कर ही नहीं है वहाँ हम लोग क्या कर रहे थे एक रेप्लिका भी बना रहे थे टट्टरसाइकिलिन में भी रेप्लिका बना रहे हैं ना उसी में हमने टट्टरसाइक्लिन यूज़ किया था जिसकी वजह से हमें प्लेटिंग बार बार करनी पड़ी यहाँ पर मारा वारा कुछ नहीं बस खाली जो कलर के वाली हैं वो हमारे कोई काम की नहीं है जो आपकी कलरलेस हैं वो कॉलोनीज़ काम की हैं जो ब्लू कलर के अलावा जो भी कॉलोनीज़ है हम उसको ले, ले लेंगे उसी में हमारा डिजायर जीन है ठीक है उसी में हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाजमेट प्रेजेंट है हम उसको लेकर फिर हम उसको अलग से कल्चरिंग कराएंगे उसकी और कल्चर करेंगे या क्लोनिंग करवाएंगे अपने डिजायर जीन की उसके अंदर ठीक है तो ये आपका लेक्चर अभी यहीं एंड करते हैं ठीक है ये वाले बैक्टर को और नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में बात बताऊंगी ये आई होप यहीं पर याद हो गया होगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ठीक है इससे पहले वाला भी नहीं था बट लर्न ज़रूर कर लीजिएगा बाद में आप लोग का क्या, क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ें हो जाती हैं एक साथ और फिर कुछ नहीं हो पाता तो बेहतर यही रहता है कि डेली का करें थोड़ा ही करें बस इंसान का ना ग्राफ ऐसे जाना चाहिए कभी ऐसे ना जाए वो भले ही थोड़ा सा डिले हो जाए है ना लेकिन कभी नीचे ना जाए कभी प्लेट्यू फेस ना आने दो हमेशा ऐसे हो तो इसी आशा के साथ गॉड ब्रेस यू ऑल और पढ़ते रहिए